ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਨਵਾਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਮਾਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਘੇਰਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਹੋਰ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਬੀਤ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੁਰੰਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਪੋਸਟਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ BSF ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਜੋ BSF ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਸਕ ਹੈ और पीस टाइम के अंदर खास तौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर या लाइन ऑफ कंट्रोल कहीं भी उनको उधर ये पीस टाइम पर उनकी ड्यूटी होती है और खास तौर पर पंजाब जो कि 553 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर है उधर 15 किलोमीटर दायरे के अंदर उनकी क्यों उनको इलाका दिया गया क्योंकि इस दायरे के अंदर पठानकोट गुरदासपुर अमृतसर तरन तारण फिरोजपुर फाजिलका ये सारे इलाके के अंदर इनकी चौकियां हैं वो बिल्कुल नजदीक है ड्रोन हमला हो या कोई और कोई मसला होता है कोई उधर से कोई आतंकवादी एलिमेंट आ रहे हैं तो इन्होंने उधर चेक करना है इनका एरिया 50 किलोमीटर तक बढ़ा के इसका मतलब ये तो शहरों तक पहुंच जाएंगे ये सरहदों के पास में सारी छौनियां हैं अमृतसर की बात कर लो फिरोजपुर की गुरदासपुर की बिल्कुल सरहदों पर है इसका मतलब है कि उधर तक इनकी दखल अंदाजी होगी जो कि मैं समझता हूं इनको अपनी ड्यूटी करने दो उधर टावर बने हुए हैं उधर चेक करें अगर ड्रोन आता है या कोई और कार्रवाई स्मगलिंग इतनी हो रही है इस इलाके के अंदर से तो उनको चेक करें इतना करने से इसके बुरे नतीजे निकलेंगे अच्छा नहीं है इसको 15 किलोमीटर सीमा तक रहना चाहिए जरूरी है और खास तौर पर जब कोई एमरजेंसी नहीं है कोई ऐसी कोई सिचुएशन कोई हालात पैदा नहीं हुए कोई एमरजेंसी नहीं हुई जिसके कारण के इनको सर्च ऑपरेशन भी करना है अरेस्ट करनी है तो ये तो बहुत सारी मुसीबतें पैदा होगी तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर सरकार को मुड़ गौर करना चाहिए दे शुड रीथिंक ओवर दिस ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਔਰ ਆਸਾਮ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਅਫਸੋਸ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂ ਬੜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਮੈਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਉਹ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਉਂ ਥਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ उसके तो भोज हो या कहीं उधर कोई ऐसी आबादी नहीं है कोई छौड़ियां नहीं है और कोई अगर मान लिया जाए जैसे कि अभी अभी देखो वाद विवाद चल ही रहा है ना जो कि उधर से जो ये फिल्मी वर्ल्ड वार है उधर से आदान प्रदान कर रहे हैं तो उसके ऊपर ना जाते हुए तो इलाका इतना बंजर उजाड़ बियाबान वाला इलाका है उधर तो ठीक है 80 किलोमीटर रहना चाहिए क्योंकि अगर वो आते हैं कोई भी एलिमेंट होते हैं कोई भी ऐसा खतरा पैदा होता है तो उधर तक जा सकते हैं उनको कम करने का क्या मतलब हुआ ये एक सियासत है मैं समझता हूँ दूसरी बात इधर जो है इसको बढ़ाना इधर मैं जैसे पहले बताया इधर हो या राजस्थान में भी अगर देखिए उधर भी जो है वो बहुत दूर दूर है उनकी जो बाकी कंस्ट्रक्टिव एरिया या डिफेंसेज मगर इसको उधर कम करना इधर बढ़ाना ये बिल्कुल मैं समझता हूँ ये सियासत हो रही है और इसको बगैर सोचे समझे और पुलिस की जो सूबा पुलिस होती है जो सूबा सरकार होती है उसकी जिम्मेवारी है
इंटरनल सिक्योरिटी जो है, अंदरूनी सुरक्षा का ख्याल रखना, कायम रखना सूबा सरकार की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको जिम्मेवार ठहराया जाए। अगर पुलिस के हकों के ऊपर छापा मार के देखो बीएसएफ को तैनात करना, तो इसके साथ और समस्या फायदा होगी। जी कालू साहब, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम खबर से अपडेट देने लई। केंद्र सरकार दे मुल्कां दे सरहदां दी सुरक्षा करने वाले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ दी ताकत वधाउण वाला फैसला लिया है। इसते जिहड़ा बवाल है उमचया है, सियासी बवाल मचण नाल आम आदमी पार्टी दे विधायक कुलतार संधवा जी जुड़ गए ने। कुलतार संधवा जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। कुलतार संधवा साहब, केंद्र सरकार ने मुल्क दे सरहदां दी सुरक्षा करने वाले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ दा दायरा 15 किलोमीटर तो 50 किलोमीटर तक वधा दिता है, किवें देखदे हो केंद्र दे इस फैसले? देखो जी, ये सीधा जिहड़ा बीजेपी जिहड़ी नीति है कि जिहड़े स्टेटां दे अधिकारां दे उत्ते दखलअंदाजी करना, स्टेटां दे जिहड़े सूबियां दे अधिकार आ उहनां ते डाका मारन दा, उहदे तहत इह कीता गया। तुसीं देखो वी बीएसपी जी जिहड़ा बीएसएफ है जिहड़ी उहदी उहदा मैंडेट है बॉर्डर दी सिक्योरिटी करनी, बस दैट्स ऑल। ते जे उह 50 किलोमीटर अंदर आ के आपदी इनवैसटीगेशन करनगे, अरैसट करनगे, लोकां नूं छापे मारनगे, पहली गल तो यह भी उन्हों ना उन्हों की लैंग्वेज की सांझ, ना उन्होंने लोगों का पता, उन्होंने को इनपुट कितों आऊगी, ये सारिया गल् सिर्फ से सिर्फ पंजाबियों की जी गल है ना, सूबे की खुदमुख्तियारी वाली गल दबाने वास्ते इन्होंने की है, करना इन्होंने कुछ नहीं है। ड्यूटी तो स्टेट होम तो स्टेट सब्जेक्ट है, यह तो सूबा सरकार की जिम्मेवारी होंगी है, सूबा सरकार करे ना कुछ, पुलिस के अधिकारी जरा नहीं काम करते उन्होंने खिलाफ एक्शन हो। और ये खिलाफ मतलब तुम्हें ये उल्ट जाके जो साढ़े संघी ढांचे के एक तरह का वार है जी, ये बहुत बड़ा वार है और ये गलत है, और सारिया स्टेटां खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए, साढ़े मुख्यमंत्री साहब नूं प्रोटेस्ट करना चाहिए, एवें ढिली जी गल करके मुद्दा नहीं साथ देना चाहिए। संधवा साहब, कांग्रेस तो कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि जेडे पंजाब खुदमुख्तियारी की गल कर रहा है उसके उपर जी है जी बीजेपी है कि वह ढा लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पंजाब दे विच कांग्रेस की सरकार है। सरकार भावें कोई भी हो जी, बीजेपी दिया जिहड़ियां नीतियां वह सीधा ही है भी वह संघी ढांचे नहीं चाहते, वह साडे कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड करना चाहते हैं, वह नहीं चाहते कि इत्थे डेमोक्रेसी रहे। तो ये डेमोक्रेसी नूं सहजे सहजे मारन वाले एक बड़ा वड्डा इन्हां दा खतरनाक कदम है, और जिहड़ा कि नहीं होना चाहिए। जी संधवा साहब, सारियां तमाम पार्टी वालों अपील की जा रही है कि इस फैसले नूं वापस लिया जाए, हुण वेखना होगा केंद्र सरकार इस फैसले नूं वापस लैंदी है या नहीं। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया साडे नाल जुड़न दे लई।